हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास 5 kg डोमिलेशन हैमर है, 5 kg ब्रेकर है। दोस्तों, जब हम इसको चलाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करता है। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि हमने नया आर्मेचर को डाल दिया तो भी ये हमारा स्पार्क क्यों कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पार्क क्यों कर रहा है नया आर्मेचर डालने पर। तो अभी हमने आर्मेचर को लगा दिया है, तो अभी हमने आपको चला कर दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा स्पार्क कर रहा है। इसमें हमने दोस्तों नया आर्मेचर लगाया है तो भी ये हमारा स्पार्क कर रहा है। अभी हम इस हैमर को और थोड़ी देर तक चलाते तो ये हमारा आर्मेचर भी ख़राब हो जाता। तो अभी आप देख सकते हैं कार्बन हमारा भी सही है, हमने कार्बन को नया लगाया था इसलिए अभी हमारा सही है। अगर थोड़ी देर और चलाते तो कार्बन और हमारा आर्मेचर दोनों ख़राब हो जाते। अब हम दोस्तों दूसरा कार्बन को भी निकाल लेंगे और उसको भी चेक कर लेंगे। तो अभी हमारा दोस्तों दूसरा कार्बन भी सही है। अभी हम दोस्तों 5 नंबर की एलंकी से इसको हम बोल्ट खोल लेंगे। 4 बोल्ट लगे हैं तो जल्दी से हम खोल लेंगे, और हैंडल में भी 2 बोल्ट लगे हैं उसको भी हम खोल लेंगे। खोलने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम आगे को कर देंगे तो ये हमारा दोस्तों बॉडी बाहर आ जाएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये आर्मेचर बिल्कुल नया है। आप देख सकते हैं इसको हमने नया आर्मेचर लगाया था लेकिन तो भी ये स्पार्क कर रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया ये हमारा आर्मेचर है। और ये हमारे पास दोस्तों पुराना आर्मेचर है। आप देख सकते हैं पुराना आर्मेचर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब हम दोस्तों फील्ड कॉइल को भी देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फील्ड कॉइल है, तो इस फील्ड कॉइल को दोस्तों हम बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ हैंडल पास 2 स्क्रू लगे हैं तो इस दोनों स्क्रू को खोल लेंगे और हैंडल को हटा देंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा फील्ड कॉइल दोस्तों बाहर आ गया है। अब इस फील्ड कॉइल को दोस्तों हम देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक धागा लगा है, इसको हम काट देंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारा वायर आपस में टच तो नहीं है या तो फील्ड कॉइल में भी तो टच तो नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों हम दूसरा कॉइल को भी देख लेंगे कि हमारा टच तो नहीं है। अगर हमारा टच रहेगा कॉइल से तो स्पार्क करेगा। तो अभी हमारा ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है, कोई भी टच नहीं है इधर से ना उधर से। कभी कभी स्प्रिंग की वायर दोस्तों कट जाती है और टच हो जाती है वायर से हमारी, तो इसीलिए दोस्तों स्पार्क करने लगता है। उसके बाद दोस्तों अब हम फील्ड कॉइल को सीधे से चेक करेंगे। तो ये हमारे कार्बन के 2 स्प्रिंग है तो इसको दोनों आपस में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम 200 वाट के बल्ब में सीरीज में इसको चेक करेंगे, इसका मैग्नेट चेक करेंगे कि हमारा मैग्नेट बना रहा है कि नहीं। तो उसके बाद दोस्तों हमने तार को जोड़ दिया है, सीरीज में है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं। तो अभी हमारे दोस्तों मैग्नेट दोनों साइड बराबर बना रहा है। अगर आपका एक साइड बना रहा है और एक साइड कम बना रहा है तो आपका फील्ड कॉइल ख़राब है। लेकिन इस फील्ड कॉइल में दोस्तों अभी दोनों साइड मैग्नेट को बना रहा है। तो अभी दोस्तों यह हमको लग रहा है कि हमारा फील्ड कॉइल सही है क्योंकि मैग्नेट तो हमारा बराबर बना रहा है, दोनों साइड बराबर अच्छे से बना रहा है। उसके बाद दोस्तों इसको हम सीरीज से चेक कर लेंगे कि ये हमारा लीकेज तो नहीं है, इसका करंट तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं एक हमने स्प्रिंग में लगाया है और एक बॉडी में लोहे में लगाया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा करंट नहीं आ रहा है।
यह हमारे पास 0810 का फील्ड कॉयल है दोस्तों, अल्को प्लस कंपनी का। तो ये दोस्तों नया है हमारा, तो अब हम दोस्तों इसको हम लगाएंगे और चेक करेंगे। पुराना फील्ड कॉयल में दोस्तों मैग्नेट तो बिल्कुल अच्छा बना रहा है, लेकिन अब हमारे पास नया फील्ड कॉयल है, तो अब हम नया को लगाएंगे और चेक करेंगे स्पार्क कर रहा है कि नहीं। अभी हमारा फील्ड कॉयल दोनों बराबर है, दोनों सेम साइज का है, तो अब हम इस फील्ड कॉयल को लगाएंगे और सेट करेंगे। दोस्तों अभी हमने आर्मेचर और फील्ड कॉयल और कार्बन सब नए लगा दिए हैं, अब हम दोस्तों यहीं से अभी चेक कर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास वायर है, इस वायर को जोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको चलाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा बिल्कुल भी स्पार्क नहीं कर रहा है, पूरा नए की जैसे चलने लगा है। तो दोस्तों इसमें हमने नया आर्मेचर और नया फील्ड कॉयल को लगाया है। पहले आर्मेचर को लगाया था तो दोस्तों हमारा स्पार्क कर रहा था, और जब हमने फील्ड कॉयल नया लगाया तो हमारा स्पार्क नहीं कर रहा है। दोस्तों हमारे फील्ड कॉयल में मैग्नेट तो बना रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो अंदर से दोस्तों शॉर्ट होगा, इसलिए दोस्तों सही से नहीं चल रहा था। तो हमने नया फील्ड कॉयल को लगाया तो हमारा बिल्कुल ओके हो गया है मशीन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।